एच टेरिटोरी को राउंड करो और ब्रैकेट में लिखो यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया राज्यों का संघ है या यूनियन ऑफ स्टेट है? ध्यान रखना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं राज्य वर्ड का यूज नहीं हुआ, कहीं संघ वर्ड का यूज नहीं हुआ. भारत के लिए, भारत के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज होता है, भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स. और इसीलिए प्रेसिडेंट में ये क्वेश्चन आता है, क्या प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ हेड है, स्टेट का हेड है? यूनियन ऑफ स्टेट किसको कह दिया? इंडिया को. हम जानते हैं कि पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल वैसे प्रधान कौन है? प्रेसिडेंट. समझ गए? आप लोग जो वर्ड देखते हो कि क्या प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ स्टेट का हेड है, तो आपको ऐसा लगता है कि राज्यों के हेड की बात कर रहा है वो. ठीक है, वो स्टेटमेंट राज्यों के हेड के लिए नहीं है, बल्कि वो वर्ड यूज ही हुआ है किसके लिए? इंडिया के लिए. क्लियर है? समझ गए? जो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ द स्टेट का हेड है, तो है वो किसके लिए यूज हुआ? इंडिया के लिए. अब आपसे पूछेगा कि भारत का पहला आर्टिकल का पहला पार्ट, ठीक है, और पहले से फोर्थ आर्टिकल के बीच में हमने किसे डिस्क्राइब किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स को, दैट मींस इंडिया और उसके यूटीज को. क्लियर है? समझ गए? पूछूंगी, ध्यान रखना. आर्टिकल 2 को राउंड करो. कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द पार्लियामेंट फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. राउंड कीजिए. एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों को बनाना. मिला? दोनों के बीच में जहां आर्टिकल 2 है वहां लिख लो. सिक्किम को मर्ज किया इसी आर्टिकल से. आर्टिकल 2 के पास लिखना सिक्किम मर्ज हुआ, ठीक है, आर्टिकल 2 से. मैं भी डिफरेंसेस बताऊंगी इसका.